नमस्कार दोस्तों, पर्वत प्रदेश में पावस काव्यांश नंबर 3 में आपका स्वागत है। काव्यांश नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं कवि ने इसमें क्या क्या कौन सी पंक्तियां कही है। दोस्तों, कवि ने लिखा है, उड़ गया अचानक लो बुदर, फरका अपार पारद के पर। आगे कवि कहते हैं, रव शेष रह गए है निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। दस गए दरा में शबई शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्र जाल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उड़ गया अचानक लोभ उदर, उड़ गया अचानक, अचानक माने सहसा। बुदर कौन उड़ गया? बुदर पहाड़ उड़ गया। उड़ गया अचानक लो बुदर, एकाएक पहाड़ उड़ गया। कैसे? फड़का अपार पारद के पर, पर माने पंख, फड़का माने फड़का कर, अपार माने जिसका कोई पार नहीं है, असीमित। पारद के पर, पारे के समान धवल शुभ्र एवं चमकीले पंखों वाला बादल। वारिद शब्द भी यहाँ यूज होता है। वारी माने जल, पानी, पानी से भरा हुआ अर्थात बादल। आगे कवि कहते हैं, रव शेष रह गए निर्जर। रव शेष, रव माने आवाज, शेष रव शेष केवल आवाज का रह जाना। रव शेष रह गए निर्जर, निर्जर माने झरना। शांत वातावरण में केवल झरने का जो पानी बहता है, केवल मात्र उसकी आवाज शेष रह गई है, मतलब उसकी आवाज सुनाई दे रही है। है टूट पड़ा भू पर अंबर, अंबर माने आकाश, भू माने धरती। ऐसा लगता है जैसे आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा है। दस गए, आगे लिखा है, दस गए दरा में शबई शाल। दस गए माने नीचे दब जाना, शबई माने भय से, डर से। शाल, शाल नाम का एक वृक्ष जो पर्वतीय विस्तार में होता है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल माने तालाब। धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब जल रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल। जलद यान, यो जलद यान, जलद यान माने बादल रूपी विमान। विचर विचर अर्थात घूम घूम कर। इंद्र खेलता इंद्र जाल, इंद्र जो देवों का राजा है, देवराज इंद्र। इंद्र जाल, इंद्र की जाल के समान अर्थात जादुई कारनामे, किससे जो लोगों की समझ में नहीं आते हैं ऐसे। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके भावार्थ में क्या क्या बातें हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का एकदम सजीव चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। कवि कहते हैं कि अचानक एक पर्वत उड़ गया, उसके पंख पारे के समान धवल स्वच्छ शुभ्र और चमकीले हैं। ऐसे पंख फड़फड़ाता हुआ पहाड़ उड़ गया। कवि ने सफेद बादलों के पर्वत के पंख बताए हैं। सफेद जो बादल थे वो पर्वत के पंख, कवि ने ऐसा माना है। पर्वत तो उड़ गया और केवल झरना है, झरना ही रह गया, अर्थात झरने की जो आवाज है वो रह गई, अर्थात झरनों की आवाजें शेष बची है। आगे कवि कहते हैं, है टूट पड़ा भू पर अंबर, अर्थात धरती पर बादलों ने हमला कर दिया। अंबर से बहुत तेज बारिश हुई, ऐसा लगता है आकाश धरती पर टूट पड़ा है और उसने अपनी वर्षा रूपी तेज बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया है। और इस हमले से भयभीत होकर अर्थात डर कर शाल के जो बड़े बड़े वृक्ष थे वे धरती में धस गए हैं, दब गए हैं, ऐसा कवि ने लिखा है। कवि ने लिखा है, तालाब में मानो आग लग गई है, उठ रहा धुआं जल गया ताल।
तालाब में आग लग रही है और तालाब जल रहा है, ऐसा कवि ने कहा है, क्योंकि उसमें से धुआं उठ रहा है, धुआं निकल रहा है। वर्षा के देवता जो है देवराज इंद्र अपने बादलों रूपी विमान में मानो घूम घूम कर अपना जादू दिखा रहा है या फिर अपने जादू का कमाल दिखा रहे हैं, और उसकी जो इंद्रजाल है वो किसी के भी समझ में आती नहीं है, जिसके कारण इन पहाड़ों पर हर घड़ी हर पल हर क्षण नए नए चित्र विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है, प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित कर दिया है। कवि ने चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। कवि पंत जी प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर की, ये कविता की, पर्वत प्रदेश में पावस की बातें यहाँ पूर्ण करते हैं और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय।